हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई 2021 और आज हम फिर से रेडी हैं अपने करंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ ही डिटेल में डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन लर्न करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अगरवुड पॉलिसी 2021। वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अगरवुड पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि वो प्रमोट कर सके अगर ट्रीज़ के कल्टीवेशन को, और इस स्कीम का एम था 3 साल में 2000 करोड़ के बिजनेस को एक्सपेंड करना। अब क्वेश्चन में आया है त्रिपुरा, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है ईस्ट में त्रिपुरा। इसके सीएम है बिप्लब कुमार देब और इसके गवर्नर है सत्यनारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेट अप टेलीमेडिसिन सेंटर्स। वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो टेलीमेडिसिन सेंटर्स को स्टेब्लिश करने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। इस स्कीम के द्वारा वो 15,000 सेंटर्स को स्टेब्लिश करेगी और इसको एक सक्सेसफुल लीड बनाने के लिए उसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ कोलैबोरेट किया है। क्वेश्चन में आया है वेस्ट बंगाल, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है वेस्ट बंगाल। इसके सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड। वो कौन सी कंट्री है जिसने फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड के लिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। स्पीड को जब रिकॉर्ड किया गया तो 1 सेकंड में 319 टेराबाइट देखा गया। अब क्वेश्चन में आया है जापान, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है वर्ल्ड का मैप और ये है ईस्ट में जापान। जापान की पीएम है योशिहिदे सुगा और इसकी करेंसी है जापनीज येन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडिया साइंड फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट विद। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट साइन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। इसका सक्सेसफुल ट्रायल 18 जुलाई 2021 को देखा गया और ये जो रेल सेक्शन है इसकी लेंथ है 3450 किलोमीटर, और ये फर्स्ट रेल सेक्शन है जो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जयनगर को लिंक करेगी नेपाल के महोत्तारी कुर्था से। अब क्वेश्चन में आया है नेपाल, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है नेपाल। इसकी कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है नेपालीज रुपी और इसके पीएम है शेर बहादुर देबुआ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच स्टेट विल बी हैविंग क्लासेस इन इट्स स्टेट लैंग्वेज। वो कौन सी स्टेट है जो अपनी स्टेट के लैंग्वेज में ही क्लासेस को होल्ड करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका में जितनी भी प्रोफेशनल क्लासेस होंगी अब वो कन्नड़ लैंग्वेज में पढ़ाई जाएंगी। तो क्वेश्चन में आया है कर्नाटका, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है साउथ में कर्नाटका। इसके सीएम वाईएस येदियुरप्पा, इसकी कैपिटल है बेंगलोर और इसके गवर्नर है थवर चंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज बर्मीज मार्टाइज डे। वो कौन सा दिन है जिस दिन बर्मीज मार्टाइज डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 19 जुलाई। क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था तो इसलिए बर्मीज मार्टाइज डे, और इस दिन को अर्जनी डे के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार में इस दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गॉट इट्स हाई कोर्ट रीनेम्ड। वो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसकी हाई कोर्ट का नेम चेंज हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट का नाम था कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एट, हु वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एल हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस का कंपटीशन है जो कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। वो कौन सा स्टेट है जो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। स्कीम को लॉन्च करने का एम है टू प्रमोट एंड एनकरेज स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। अब क्वेश्चन में आया है हरियाणा, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप और ये है हरियाणा। इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर है बंदरू दत्तात्रेय। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फर्स्ट रिपोर्टेड डेथ बाय मंकी वायरस।
वो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में अपनी फर्स्ट डेथ को रिपोर्ट किया है मंकी वायरस के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना में इस केस को देखा गया जब एक आदमी जो कि एक सर्जन था वो एक मंकी की डेड बॉडी को डाइसेक्ट कर रहा था। उसके बाद उसमें दो सिम्टम दिखे, फीवर और वॉमिटिंग। अब क्वेश्चन में आया है चाइना, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है वर्ल्ड मैप और ये है चाइना। इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग। ये थे आज के करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।